मैं हूं तनु। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ब्लॉग फिर से लेके आया हूं। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ एक ब्लॉग शेयर कर लेती हूं। तो मैं ससुराल आ गई हूं। मैं मंडे के दिन आई थी, रात में 9 बजे यहाँ घर में पहुंची हूँ। तो मैंने उसका भी ब्लॉग डाला है जिस दिन मैं यहाँ पहुंची हूँ। तो ये देखिए मैंने भरे के हाथ में यहाँ पे चूड़ी पहनी है, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मतलब चूड़ी इतना पहनी नहीं, छोड़ दी थी। यहाँ आई तो उस हिसाब से पहनी होती, हस्बैंड बोले चूड़ी पहन लो, तो मैंने मैचिंग के ड्रेस की चूड़ी पहनी हुई है। क्योंकि बाहर रहती हूँ तो वहाँ इतना ये सब पहनती नहीं, एकदम सिंपल रहती हूँ। क्योंकि वहाँ जिस माहौल में हो तो वहाँ इतना ज़्यादा ये सब नहीं चलता है। तो मैंने सोचा चलो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसे पहन के चूड़ी। तो रात के 8 बजे को मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, मैंने सोचा चलो बैठी हूँ तो आप लोगों के साथ ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो खाना तो बना ही नहीं हूँ, क्योंकि देवर बोल रहे हैं कि भाभी आज खाना कुछ मत बनाइएगा, जाऊँगी होटल खाना खाने के लिए। मैंने बोला चलो ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं यहाँ थी भी नहीं। तो बेचारे खाना, क्योंकि अभी घर पे कोई लेडीज़ रहती है तो खाना उस हिसाब से बेचारे लोगों से इतना खाना नहीं, वही दाल चावल बना के खाना, वो भी घर पर मम्मी पापा भी नहीं है, सिर्फ दोनों भाई थे बनाने के लिए। तो फिर मैं हो गया आ गई, लेकिन बनाई बोले आज खाना मत बनाना भाभी, बाहर चलेंगे। तो मैं सोची चलो, पूछ रहे थे कि चलोगे कि नहीं, मैं बोली जैसे आप लोग बोले तो वही अब हम लोग जाएंगे खाने के लिए बाहर होटल। तो चलिए अभी कौन से होटल में कहाँ जाते हैं, फिर मैं आप लोगों को सीधा वहाँ मिलती हूँ। अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। ये तो हम आ गए हैं बाहर, अब यहाँ से हम जाएँगे, रात हो गई है तो जाएँगे ओमनी से, और फिर वहाँ से वरना से फिर हम जाएंगे होटल खाना खाने के लिए। तो चलिए सीधा मैं आप लोगों से मिलती हूँ होटल पे। मुझे चूड़ी बहुत अच्छी लग रही है आज तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ सीधा होटल पे। ये तो हम होटल पहुँच गए हैं खाना खाने के लिए, अभी चलिए चलते हैं होटल के अंदर, अभी खाने में क्या ऑर्डर होता है देखते हैं। भूख बहुत ज़ोर से लगी है। जा रहे थे हम लोग गोविंदगढ़ खाना खाने के लिए, लेकिन क्या हुआ रास्ते में एक ट्रक वाला जाम लगा दिया। तो फिर दिक्कत हो जाती कि हमको लौटने में लेट भी होता, अगर जाम ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता तो फिर घर नहीं जा पाते, इसलिए हम लौट आए अभी दूसरे होटल में आए हैं खाना खाने के लिए। तो चलिए अभी देखते हैं ऑर्डर में क्या देते हैं खाने के लिए। तो चलो अंदर चलते हैं। अगर मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।